नमस्कार नमस्ते जी, कौन माननीय बोल रहे प्रधान हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं दत्त ऋषिका कनावती महानगर से बोल रही हूँ। तो ऋषिका दत्त, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया है, एनसीसी भी किया है और एमकॉम फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, अरे वाह! और कहाँ रहती, कहाँ हैं आप? मैं कर्णावती महानगर दरियापुर वार्ड में रहती हूँ। दरियापुर? यस जी सर। अच्छा, ऋषिका जी, जी सर। चुनाव में हम जानते हैं, अभी अभी आपका कॉरपोरेशन का चुनाव गया, बड़ा भव्य आप लोगों ने विजय प्राप्त किया, तो आप सब इस विजय के लिए जो मेहनत की और जो पन्ना प्रमुख वाला प्रयोग था वो बड़ा सफल रहा, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। जी और सर। आप जानते हैं कि हमारे लिए चुनाव एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है, और लोकतंत्र के उस उत्सव में हर नागरिक को बढ़ चढ़ करके जुड़ना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, हमें जनता जनार्दन की आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उनको प्रगति के राह पर ले जाने वाला निर्णय करे, काम करे। अब देखिए, गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो आप स्वाभाविक चर्चा बने, विकास यानी बीजेपी नाम हो गया है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे फेज का काम भी शुरू हो गया है। अहमदाबाद में ऐसी परियोजनाएं आज शहर की पहचान बन चुकी हैं। उसी प्रकार से गांधीनगर का पूरा इलाका एक प्रकार से एजुकेशन का हब बन चुका है। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट एक प्रकार से अहमदाबाद में फेफड़े का काम कर रहा है, लोगों को आने जाना एक सुविधाजनक बन चुका है। तो काफी विकास के काम तेजी से बढ़ रहे हैं। जी सर जी। हाँ बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर जो भी विपक्ष के नाम पर कांग्रेस पार्टी है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, लोगों से नहीं। विकास की बात तो वो कर ही नहीं सकते हैं। गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो वो है भाजपा। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे देखिए फेज देखिए ऋषिका जी, अहमदाबाद का तो अब मैं काफी कुछ जानता हूं, इसलिए जी मैं उसकी चर्चा तो मैं काफी परिचित रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि बाकी सब कार्यकर्ताओं को भी अहमदाबाद की प्रगति का मालूम है। और जी इसलिए चलिए, मुझे अच्छा लगा ऋषिका जी से आपसे बात करने का मौका मिला, लेकिन मैं चाहूंगा कि पन्ना प्रमुख के नाते आप ज्यादा से ज्यादा बहनों को राजनीति में सक्रिय कीजिए, नौजवान बेटियों को, आपकी तरह पढ़ी लिखी जो बेटियां हैं, जो स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां हैं, उनको आप सार्वजनिक में कुछ न कुछ समाज के लिए करने के लिए प्रेरित करिए। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार।